अरे ये सामान कहाँ लेके जा रही? वो मालिक का हुक्म है कि आज से खाना एक ही रसोई में बनेगा। भाभी सा, क्या हुआ भाभी सा? बैठी, चक्कर आ गया। अब आराम कीजिए भाभी सा। जानती हैं भाभो, जिस दिन हमारे घर में गट्टे की सब्जी बनती है ना, उस दिन मैं डबल खाना खाता हूँ। और उसे हमारे घर में बनाने का महारत सिर्फ सलोनी को हासिल है। बहुत दिन हो गए, हमने उसे खाया भी नहीं। मेरी तो जुबान उसका स्वाद ही भूल गई। भाई साहब, मेरी जीभ की आदाश्त बहुत अच्छी है, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। सलोनी, आज बहुत मन कर रहा है तुम्हारे हाथ के गट्टे खाने की। तो फिर तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आज मैं डिनर पर आप सबके लिए वही बनाने जा रही हूँ। वाह, हमारे घर के लॉन में एक शानदार डिनर होगा। मेरी जिम्मेदारी है सब कुछ अपने हाथों से बनाना, और आप सबकी जिम्मेदारी है वक्त पर पहुंचना। आज मिलेगा या साथ में ब्रेकफास्ट भी आएगा हैं? भाई खाना किचन में पक रहा है, लेकिन खाने की खुशबू यहाँ तक फूट रही है। हैं? काश मैं पतीला होता बाबू, तो अभी तक सब्जी का स्वाद चख चुका होता। जीजो साहब, एक बात भूल रहे हैं, अगर आप पतीले होते तो आज जलते हुए चूल्हे के ऊपर बैठे होते। अरे साले साहब, आग तो सलाई लीजिए लगा दी। मम्मी, आपने सबको बताया कि नहीं? क्या? Oh my God, I'm so sorry, ईशान, मैं भूल ही गई। आप सबको ये जानकर बहुत गर्व होगा कि ईशान ने जो फैमिली ट्री के ऊपर प्रोजेक्ट किया था, उसमें उसे A+ मिला है। अरे वाह, वो भी फर्स्ट प्राइज। इसमें ईशान की मेहनत तो है ही, लेकिन शायद इनके टीचर्स ने इतने सारे मार्क्स इसलिए दिए होंगे क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे एक फैमिली में रहते हैं। वो भी एक ही पेड़ पर। खाना कहाँ है? खाना खाना खाना। अरे आ गया खाना। जी जल्दी परोसिए, भूख के मारे जान निकली जा रही है। अब भी परोसती। ईशान आओ बैठो यहाँ पे। हाँ, गट्टे की सब्जी। भाई इधर पहले। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगर खाना इतना मजेदार है तो भूख को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। नहीं